नमस्ते मित्रों, सवाल मेरा यह होगा कि जीवन शक्ति या प्राण शक्ति क्या है? इस जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति क्या अलग अलग है या एक ही है? अगर इसमें भेद है तो भेद बताएं, परिभाषा है तो परिभाषा बताएं, ताकि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सके। आपने पूछा कि जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति क्या है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सामान्य रूप से प्राणायाम की परिभाषा श्वास पर नियंत्रण के रूप में की जाती है। हालांकि अभ्यासों की दृष्टि से यह व्याख्या सही हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही है, लेकिन यह प्राणायाम के संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती है। प्राणायाम शब्द, जैसा कि हमने देख चुका कि दो पदों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति। यह वह शक्ति है जो समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थ में विद्वान होते हैं। श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से इसका घनिष्ठ संबंध है, फिर भी यह वायु या ऑक्सीजन से कहीं अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए प्राणायाम को फेफड़ों में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया जाने वाला श्वसन व्यायाम हमें नहीं समझना चाहिए। प्राणायाम में श्वसन का उपयोग प्राणमय कोष की नाड़ियों में प्राण प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम श्वसन क्रिया के माध्यम से मानव संरचना के स्थूल एवं सूक्ष्म स्तरों से निहित सभी प्रकार के प्राणों को संचालित व नियंत्रित करता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मन व शरीर पर भी पड़ता है। यम शब्द का अर्थ नियंत्रण होता है और इसका उपयोग विविध नियमों या आचरणों को निर्दिष्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन प्राणायाम शब्द के निर्माण के लिए प्राण में यम शब्द नहीं जोड़ा गया है। शुद्ध शब्द आयाम है, जिसका निहितार्थ यम शब्द से और भी ज्यादा गूढ़ है। आयाम का अर्थ होता है विस्तार या प्रसार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण के आयाम का विस्तार या प्रसार होता है।